कुमार माई फिटर जंक्शन में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी भाइयों का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाइप कैसे देखें। जैसे पाइप है इसको हम कैसे देखें, पाइप कितने प्रकार का होता है और पाइप में क्या क्या होता है आज वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए सीधा दिखाते हैं। दोस्तों ये पाइप है 10 इंच का और हम कैसे देखेंगे पाइप कितने प्रकार का होता है, चलिए दिखाते हैं। देखिए ये हमारा 10 इंच का पाइप हो गया ये, और पाइप कितने प्रकार का होता है, ये सीम और सीमलेस। पाइप दो प्रकार का होता है, सीम और सीमलेस। तो हम कैसे देखेंगे सीम कौन है और सीमलेस कौन है, ये देखिए। ये पाइप के अंदर जो ये जो आपको जो दिख रहा है वेल्डेड सिस्टम, ये सीम पाइप है। ये जो एक दूसरे का जो जोड़ा गया है वेल्डिंग करके, ये सीम पाइप है। ये देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा ये 2 mm ऑफ है इस पाइप को सर्कल से, ये सीम है। जैसे मैं आपको नशा कर दिखा दूँ बाहर वाले साइड से, मैंने आपको दिखाया अंदर वाला साइड से। ये देखिए ये बाहर वाला साइड से भी इस टाइप का देखेगा आपको, इसे हम सीम पाइप कहते हैं। ये सीम पाइप हो गया, इसको हम सीम पाइप कहते हैं। सीम और सीमलेस, जैसे ये सीम हो गया और आपको दिखाएंगे सीमलेस। ये हमारा आ गया सीमलेस पाइप। आइए हम इसको देखते हैं इसमें सीम है या नहीं, कैसे हम जाने। सबसे पहले हाथ इसके अंदर ऐसे घुमाएंगे हम, ऐसे। अगर आपके हाथों में अगर हाइट या डाउन का कुछ भी ऐसा स्पष्ट नहीं होता है ऐसे, तो समझ जाइए हमारा पाइप सीमलेस है, इसके अंदर सीम नहीं है। ये देखिए जैसे आपको दिखा दूँ, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं पहले आपको पाइप में बताया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हाइट आपको दिखाई दे रहा हो, इसको हम सीमलेस कहते हैं। और जैसे मैं आपको बताया कि पाइप में क्या होता है, तो हमारा इस साइड से और इस साइड, देखिए जैसे मैं आपको बता दूँ ये, यानी ये बाहर साइड से इस बाहर साइड को OD कहते हैं, या इधर से भी हम अगर ऐसे देखें तो इसको हम OD कहते हैं, और ID जो कहते हैं ये अंदर अंदर वाले हिस्सा। जैसे ये देखिए ये किनारा और ये किनारा, इसको हम ID कहते हैं। और ये जो सर्कल फेस जो है, ये पूरा गोलाई बेलनकार जो है, इसको हम CF कहते हैं। तो हो गया OD, ID और CF। अगर दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे, इस वीडियो को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।